हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे फुल सपोर्ट करिएगा। तो आज मैं पहले ही बता दी हूँ लाइक सब्सक्राइब के लिए, क्योंकि लास्ट तक कोई वीडियो नहीं देखता है और मेरी तो छोटी छोटी वीडियो रहती हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, फुल वॉच करिएगा। मैं इसलिए लंबी वीडियो नहीं बनाती हूँ, आप लोग को भी ना परेशानी हो और मुझे भी वॉच टाइम थोड़ा मिलता रहे। तो यहाँ पे मेरे कपड़े धुले हुए थे, हाथ से ही धुली हुई थी, और आज जो है लाइट सुबह सुबह ही ख़राब हो गई, तो अभी बनने का कोई चांस भी नहीं है। बनेंगी कि नहीं बनेंगी, कितना दिन लग जाएगा, एक दिन लगेगा कि दो दिन लगेगा। तो दो चार कपड़े थे तो हाथ से ही धुल ली थी, और मैं सोची थी कि वॉशिंग मशीन में सुखा दूँगी, तो लेकिन लाइट ही नहीं आई तो सुखाएंगे क्या। तो अंत में फिर हमें इसको धूप में डालना पड़ा, और धूप इतनी कड़क है कि आँख ही नहीं खुल रही थी। आप देख सकते हैं अभी 12:30 बज रहे हैं, तो बहुत तेज़ वाली धूप है। तो मैंने सोचा कि लाइट का कोई भरोसा नहीं है, तो चलो इसे धूप में ही डाल देती हूँ, धूप लग जाएगी, सूख जाएगा, और नहीं तो पड़ा रहेगा ना, फिर बदबू करने लगेगी। अगर लाइट में लाइट होती तो वॉशिंग मशीन में सुखा के जब डालते हैं, बारिश में कपड़े तो थोड़ा जल्दी सूख जाते हैं, वैसे तो सूख जाएगा क्योंकि कड़क वाली धूप है। तो मैं यहाँ पे स्कर्ट पहन ली हूँ और टॉप, ये टॉप थोड़ा गर्मी करता है, नेट का है ना, और नीचे का जो फैब्रिक है ना वो नायलॉन का जो होता है, वो कॉटन वाला नहीं है, होजरी जो कॉटन का रहता है तो वो नहीं गर्मी करता है, और ये जो नायलॉन का होता है ना तो फैब्रिक, तो वो गर्मी करता है। तो मुझे इस स्कर्ट में ना थोड़ा गर्मी भी लग रही थी। तो यहाँ पे दो पॉलीथीन में मिर्ची रखे हुए थे, एक पहले के लाए हुए थे और एक लास्ट में लाए हुए थे। तो जो लास्ट वाली पॉलीथीन थी उसमें पूरा ग्रीन थी, उसमें एक भी पका नहीं था, और जो पहले वाली पॉलीथीन की मिर्ची थी उसमें पूरे पक गई थी मिर्ची, एक भी ग्रीन नहीं थी। तो पक तो गई थी ये तो पता था, और मैं सोच रही थी कि इसको निकाल के साफ़ कर लूँ, एकाक जैसे बारिश के सीजन में ख़राब हो जाती है, तो ख़राब तो नहीं हुई है लेकिन खूब तीखी वाली मिर्ची है, और यहाँ पे तीखी वाली मिर्ची बहुत कम ही मिलती है। तो रेड वाली अलग कर लूँगी और ग्रीन वाली अलग कर लूँगी। तो इसको मैं रेड वाली को सुखा के रख दूँगी, जैसे सुखा के रखे रहते हैं तो हम खड़ी मिर्च लाल वाली यूज करते हैं, जैसे कढ़ी बनाते हैं उसमें भी डाल दिए, और पोहा बनाते हैं तो वहाँ पे भी मैं खड़ी मिर्ची यूज करती हूँ। अगर हरी वाली है तो ठीक है, नहीं है तो मैं लाल वाली ही डाल देती हूँ, वैसे काट के मैं नहीं डालती हूँ। रेड वाली जब डालती हूँ ना तो खड़ी ही डालती हूँ, कढ़ी हुआ जैसे दाल छौंक रहे हैं उसमें भी डाल दिए, और कढ़ी बना रहे हैं उसमें भी डाल दिए, पोहा बना रहे हैं अगर हरी वाली नहीं है तो उसमें भी डाल देते हैं। तो इन सबको मैं छाट के थाली में रख दूँगी और सुबह के टाइम इसको रख दूँगी। अभी तो शाम हो गई है और मेरा जो ब्लॉग है अभी ये जो देख रहे हैं आप ना, शाम के समय का है। तो मैं स्कर्ट पहन ली थी, सोच रही थी कि जाऊंगी घूमने उसके बाद फिर आके निकालूंगी, तो लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी तो मैंने फिर स्कर्ट को बदल दिया और नाइटी डाल ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और फैन भी नहीं चला सकते थे। इन्वर्टर सुबह से ही चल रहा था, पता चल रहा था कि रात में अगर इन्वर्टर बैठ गया तो अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे, बच्चे भी हैं, बच्चे परेशान हो जाते हैं, अपनी तो जैसे तैसे बीत जाती है, लेकिन प्रिया को भी फीवर था तो उसको भी थोड़ा सा अभी सुस्ती सुस्ती लगती है, तो उसको भी नींद ज़रूरी है, अच्छे से आनी चाहिए नींद। तो मैं यहाँ पे बना लेती हूँ जो ब्राउन वाला शक्कर होता है गन्ने का, तो उसको मैं लेके आई थी, गांव गई थी तो गुड़िया को शरबत पीना था, तो बोली मम्मा बना दो, तो मैं उसको बना के दे देती हूँ। तो इसका शरबत बहुत अच्छा लगता है, और कौन कौन इस शक्कर को जानता है, गांव में बनता है तो एकदम जम गया है। तो इसको हमें ना जो जिसमें अदरक कूटते हैं, जिस मतलब कूटने वाले से, तो मैं उसी से बाद में इसको खूब दबा दबा के कूट दी थी, कूट गया था। और जो गांव के होंगे उनको तो ये पता है कि अलग अलग नाम से बोला जाता है इस शक्कर को। तो
जैसे ब्राउन वाला शक्कर है, जो ब्राउन वाला शक्कर मार्केट में मिलता है ना, इसी तरह रहता है। तो उसको वो लोग क्या करते हैं ना कि शक्कर को पहले धुल देते हैं और जो दाना इसका रहता है अलग कर लेते हैं, उसके बाद सुखा लेते हैं। और जैसे शरबत बनाना रहता है तो इसमें कुछ ऐसे पेस्ट टाइप होता है तो सब लगा रहता है, तो उसी सब इकट्ठा करके शरबत बना लेते हैं और पीने में बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें दूध डाल लीजिए, दही डाल लीजिए, या तो नींबू डाल लीजिए, आप कुछ भी डाल लीजिए तो पीने में बहुत अच्छा लगता है। और शाम का टाइम है तो खाना भी मुझे जल्दी बनाना है, और खाना भी मैं बना ली थी, उसका भी वीडियो मैंने शूट किया, लेकिन इसमें नहीं ऐड करूँगी क्योंकि ऐड कर दूँगी अगर वो वाली वीडियो ना, तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है। इतनी छोटी वीडियो बनाते हैं उसको भी कोई नहीं देखता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी ही वीडियो जाए। तो आप लोग भी आ जाइए शरबत को पीने के लिए। कौन कौन शरबत इस शरबत को पिया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो गांव के हैं। और यूपी में गन्ना बोते हैं ना, तो यूपी के लोग जो होंगे उनको पता होगा, जिनके यहाँ गन्ना रहता है और मिल चलती है। हमारे यहाँ तो मतलब कि हमारा ससुराल का गांव ऐसा है ना कि केवरा जो मिल होती है वो चलता है, तो गांव में अक्सर सभी के यहाँ होते हैं। तो घर में ही गुड़ बना लेते हैं और इसको बना लेते हैं,